Hello everyone. I hope you are doing well and preparing well for CAT. In this video, I will talk about Vedic math. In Vedic math, there is a lots of tricks and formula. Like Vedic math अपने आप में बहुत एक vast और बहुत ज्यादा है. क्या उतना करने की need है as far as our examination is concerned? मेरे अकॉर्डिंग उतना करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रिक्स एंड फॉर्मूला आ जाते हैं. सो उतना लर्न करने की नीड नहीं है, क्योंकि कैट का क्वांट सिलेबस ही अपने आप एक वास्ट है. उसमें बहुत सारे आपको फॉर्मूला ट्रिक्स ये सब चीजें याद करनी पड़ेगी. सो वाई शुड टेक अनदर और बिकॉज द एडिशनल बर्डन टू लर्न फॉर्मूला एंड ट्रिक्स ऑफ वैदिक मैथ. एंड ऑल्सो कैट इज नॉट अबाउट द कैलकुलेशन, कैट इज अबाउट द कंसेप्ट. कैट के क्वेश्चन उतना कैलकुलेशन इंटेंसिव नहीं होते हैं जितना, मतलब अगर IFT की बात करो और कुछ अलग और एग्जाम की बात करो, लेकिन मोर और लेस सारे एग्जाम में इतना कैलकुलेशन इंटेंसिव नहीं होता है कि मुझे बहुत सारे ट्रिक्स एंड फॉर्मूला वैदिक मैथ के याद करने की नीड है. सो नाउ क्वेश्चन इज दैट कितना करना चाहिए कि मेरे लिए सफिशियंट हो, ताकि मेरा एग्जाम में हेल्प करे और क्वेश्चन सॉल्व में हेल्प हो. सो जो मैंने किया था और जो मुझे हेल्प हुई थी, मैं उसी अकॉर्डिंग बनाया हूँ स्लाइड एक. हाँ, ये हो सकता है कि कुछ चीजें आपके अकॉर्डिंग डिफर हो, मतलब आपको लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए. तो अगर आपको जो भी कुछ लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए या फिर समथिंग होनी चाहिए, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ताकि मैं अगर इन फ्यूचर कभी फिर से मुझे किसी एस्पिरेंट को बताना पड़े तो उस चीज को मैं ऐड कर पाऊं. सो विदाउट डिले लेट्स सी. सो ये चीजें जो जितने भी है ना, ये मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में किया था. लाइक आई लर्न स्क्वायर, क्यूब, टेबल, पावर ऑफ टू, पावर ऑफ थ्री, पावर ऑफ फाइव, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11, स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 5. इतनी सारी चीजें ही मैंने की थी वैदिक मैथ में, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था. हालांकि ट्यूशन वाले ने बहुत सारे फॉर्मूला एंड ट्रिक्स भी बताए थे, लाइक मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स और मतलब स्क्वायर ट्रिक्स, क्यूब ट्रिक्स वो, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं और ना मैंने याद करने की जद्दोजहद भी की. क्योंकि यार देखो, अगर मैं इतना सारा चीजें याद करूँ ना भाई, वो माइंड हेडेक हो जाएगा. सो नो नीड टू लर्न बहुत सारी चीजें स्पेशली वैदिक मैथ में, क्योंकि अल्टीमेटली कैट इज नॉट अबाउट कैलकुलेशन, वो आपको कंसेप्ट चेक करने वाला है बेसिक पे. सो अब आ जाते हैं स्क्वायर पे, कितना स्क्वायर सफिशियंट रहेगा. सो आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, मैंने 1 to 50 लर्न किया था, और आपको भी 50 तक लर्न करना चाहिए. अब ना क्वेश्चन इज दैट अगर 50 के बाद आए तो क्या करेंगे. सो 50 के बाद आएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए मैं एक सिंपल सा एक फॉर्मूला और बिकॉज एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको टिल 99 तक हेल्प करेगा. अगर उससे ऊपर आता है तो भाई सिंपल सा ये करो, कैलकुलेटर निकालो. कैट में तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है, कैलकुलेटर निकालो, कर लो कैलकुलेट वहां पे, सिंपल, नो नीड टू डू ऑन पेपर. उसके बाद आता है तो हालांकि, लेकिन वहां तक आएगा ही नहीं मुझे, जहां तक मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है वहां तक आपको नहीं आएगा कैट में, क्योंकि उनको भी पता है ना यार कि 40 मिनट है, 22 क्वेश्चन है. मैं अगर उनको अगर कैलकुलेशन ही चेक करना रहता तो वो और ज्यादा टाइम देते ना. उनको पता है कि यार कि टाइम कम है, अगर कैलकुलेशन दूंगा तो कैसे ही होगा. क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अहमदाबाद जब क्वेश्चन सेट किया था 2021 के लिए, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे. ऐसा को लोगों ने रेज किया कि हाँ टाइम नहीं मिला सॉल्व करने के लिए, तो फिर बैंगलोर वाने लिए शायद क्वेश्चन रिड्यूस किया था जो 2022 में था, जो मेरा स्लॉट था मेरे टाइम का. तो आप देखो वो लोग कंसर्न है कि भाई आप एग्जाम दे रहे हो तो यू
सॉल्व द क्वेश्चन, अगर उनको डिफिकल्टी एग्जाम बनाना है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, तो बहुत ऐसे आरा तरह नंबर दे देंगे ना यार कि सॉल्व भी आपसे ना हो, बहुत टाइम लगे। उनका मकसद है सिलेक्शन करने का, ये नहीं कि रिजेक्ट करने का। तो इसीलिए कोई उतना नीड नहीं है बहुत ज्यादा नंबर और वो चीजें याद करने की। अब आ जाते हैं क्यूब के लिए। तो मैंने क्यूब 1 to 20 याद किया था। अगर आपको 20 तक ज्यादा लग रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 15 तक तो एटलीस्ट याद करो, लर्न करो। 15 तक, अगर आपको 20 इज मोर देन लर्न एटलीस्ट टिल 15। अब आ जाते हैं टेबल पे। लाइक टेबल याद करना एक बहुत डिफिकल्ट चैलेंज हो जाता है, डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, बट क्या करोगे यार, डिफिकल्टी तो आएंगी ही ना। ओवरऑल हम लोग कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड ड्रीमिंग टू गेट इन टू टॉप बीए स्कूल, तो भाई डिफिकल्ट का तो सामना करना ही पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट टेबल, सो मैंने टेबल 20 तक लर्न किया था। लाइक 1 into 20 into 20। अब आप सोचेंगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको एक वे बताता हूँ कि आप कैसे इसको मतलब डेली डेली टाइम देकर आप सीख सकते हो। अब देखो, आपको 1 से 20 तक लग रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या 11 तक तो सारे पते ही हैं, याद ही होता है, मतलब बचपन में पढ़े होंगे तो उससे याद होता है 11 11 तक। अब आ जाते हैं 12 से 19, क्योंकि 20 तक तो मुझे भी हम लोग को ऑलरेडी याद होगा। कितना हुआ, 12 से 19, 7 8 ना, 12 13 14 16 17 18 19, 7। अब देखो, जैसे फर्स्ट डे सपोज कल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, कल आप 12 का टेबल लर्न किया, 12 2 14 और जो भी आता है 3 240 तक इसको लर्न किए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ना जो टेबल है 12 से लेकर 19 तक, आप अपने स्टडी जो टेबल है या डेस्क उसके सामने चिपका लो, और फिर फर्स्ट डे 12 का टेबल याद करो, नेक्स्ट डे 13 का टेबल याद करो, फिर नेक्स्ट डे 14 का, फिर नेक्स्ट डे 15, वैसे वैसे करके आपको एक वीक में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, जैसे फर्स्ट डे मैंने 12 याद किया और नेक्स्ट डे 13, तो नेक्स्ट डे मुझे करना क्या है कि मैं 12 का टेबल को फिर से एक बार रिकॉल करूंगा या फिर एक दो बार लिख लूंगा मैं। इससे क्या होगा ना कि आपको लर्निंग जल्दी होगी और माइंड में जल्दी बैठेगा, प्लस में मतलब आप एक बार माइंड में आ गया ना तो आप नहीं भूल पाओगे, क्योंकि फिर आपको ना जब भी आप क्वांट सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आएगा ही, और जब भी आप कभी लगे कि भूल रहे हो, आपके इन फ्रंट ऑफ टेबल रहेगा, स्टडी टेबल, वहां से आप देख के फिर से आप रिकॉल कर सकते हो। सो इन दिस वे आई लर्न, और हो सकता है कि मतलब इस वे से आपको भी लर्निंग जल्दी हो। अगर कोई और मेथड आपको लगता है तो आप उस वे से कर सकते हो। ये एक नॉट फिक्स्ड और फुल प्रूफ अप्रोच है लर्न करने के लिए, लेकिन मैंने ऐसे किया था, सो आई थॉट टू शेयर विथ यू गाइज। नाउ कम्स टू पावर ऑफ टू। वन सेकेंड, या नाउ पावर ऑफ टू। पावर ऑफ टू में मैंने 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 टिल 2 to the power 10 इतना लर्न किया था। अब ये बहुत सिंपल है। लाइक अगर जो भी नॉन इंजीनियर हो या इंजीनियर को तो ऑलमोस्ट उनको याद ही होगा 2 to the power 10 तक। अगर जो नॉन इंजीनियर हो उनको फिर भी 2 to the power 6, 2 to the power 7 तक मोर और लेस याद होना चाहिए। अगर नहीं है नॉट ए इशू, आप याद करो, लर्न करो इसको, क्योंकि आपको ये हेल्प करने वाला है। नाउ कम्स टू पावर ऑफ थ्री। पावर ऑफ थ्री मैंने
जस्ट वन सेकेंड, पावर ऑफ थ्री में मैंने कितना याद लर्न किया था, 3 to the power 1, 2, 3 to the power 7, दैट इज 2187। यहां तक मैंने याद किया था, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 1 2 2 to the power 10। नो व्हाट है, जस्ट वन सेकेंड गाइज। या सॉरी गाइज, थोड़ा सा टेक में मैं अभी नया हूँ, क्योंकि मैंने ये नया ही चालू किया है। सो पावर ऑफ थ्री, पावर ऑफ थ्री मैंने 3 to the power 1, 2, 3 to the power 7 तक लर्न किया था। पावर ऑफ फाइव, कम्स टू पावर ऑफ फाइव, पावर ऑफ फाइव में आई यूज लॉन 5 to the power 1, 2, 5 to the power 6। इतने चीजें आपको लर्न करनी है, लाइक रिमेम्बर करना है। देखो ये सभी चीजें आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार क्या ही है, बट ट्रस्ट मी गाइज, आपको ज्यादा टाइम ये लेगा नहीं लर्न करने के लिए। वंस यू लर्न इट ना, लाइक यू वेन एवर सी लाइक नंबर, दिस टाइप्स ऑफ नंबर 2187, 5 to the power 6, 15625, यू गेट अ क्लियर सेंस। आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि ये 5 to the power 6 है, और उस बेसिस पे अगर कुछ कैलकुलेशन आया या सॉल्व करने के लिए 5 का कुछ निकालो या फिर समथिंग रिलेटेड टू 5, आपको एक क्लियर सेंस हुआ कि 15625 इज 5 to the power 6। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट टू लर्न द पावर एंड ये क्यूब एंड टेबल, आपको एक नंबर माइंड में रिकॉल होगा। और जब भी कभी कुछ नंबर आया ना, जैसे मान लो कि कुछ नंबर आया, जैसे एक एग्जांपल ले लो 182 एक नंबर है। अब जैसे नंबर सिस्टम में पढ़ोगे वहां पे कि कुछ रिमाइंडर निकालना या फिर कुछ, तो वहां पे एक थ्योरम होता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, वहां पे हम लोग को प्राइम पे ब्रेक करके उसको निकालते हैं। सो जब आप टेबल याद करोगे ना, तो 182 आपको सीधा पता रहेगा, 13 into 14 जो 182। सो इन दिस वे ना आपको एक क्लियर सेंस मिलेगा, लाइक नंबर की नंबर पे ज्यादा ग्रिप होगा आपको कि हाँ यार ये मैंने नंबर कहीं देखा है, और इससे ऐसे कुछ होता है। फिर आपको फैक्टर निकालना हो या फिर जो भी चीज निकालना हो, जैसे बाय द वे अगर मान लो इसका नंबर ऑफ फैक्टर ही निकालना पड़े, फिर मुझे 2 से पहले करना पड़ता है, फिर जैसे प्राइम प्राइम ही होता है ना नंबर ऑफ फैक्टर, 2 किया फिर डिवाइड करके कुछ और किया। अब मुझे पता है यार 13 into 14 ये होता है, 13 ऑलरेडी प्राइम है, 2 into 7 सो 111, 2 into 2 into 2 8, नंबर ऑफ फैक्टर 8। सो देखो इतना मतलब इजी वे में आप सॉल्व कर पाए, जब आपको ये नंबर और टेबल स्क्वायर की ये सभी चीजें पता रहेंगी, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है आपको क्वांट में। और देखो क्वांट में भी हेल्प करेगा और आपको डीआईएलआर में भी हेल्प करेगा, क्योंकि डीआईएलआर में अगर आप डीआई सॉल्व कर रहे हो, डीआई में नंबर ही रहते हैं, वहां भी आपको हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं, एक चीज मैं भूल गया आपको स्क्वायर का एक ट्रिक बताना जो मैं बोला था, सो मैं इरेज कर देता हूँ ये पूरी चीज़ें। देखो स्क्वायर का एक ट्रिक है ना, आपको 50 तक तो लर्न करना ही है, उसके बाद अगर आता है कुछ मतलब 1099, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो एक फॉर्मूला है कि सपोज लाइक एक ए प्लस बी का या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पे, नॉट टोटली बेस्ट लेकिन हम एक रेफरेंस के लिए इसको ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
दिस। नो, टेक एग्जांपल। ऑफ सिंपल वन, जो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 51 का स्क्वायर, और 51 का स्क्वायर आई थिंक 2601 होता है, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 2601, लेट्स चेक। अब देखो क्या होगा ना, मैं एक आप इस एग्जांपल को 51 का स्क्वायर पूरा इलाबरेट करके बता रहा हूँ, फिर आपको एक सिंपल वे बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, पूरा डिटेल्स कैलकुलेशन ना करते हुए माइंड में मेंटली कैसे कैलकुलेशन करना है, लेकिन एक समझ लो बेसिक, ये समझ लो एक्स है 5 और वाई 1y, सॉरी 5 स्क्वायर, अरे यार पेन को क्या हुआ है, 5 स्क्वायर प्लस, ओ माय गॉड, 5 स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब सी गाइज, यहाँ पे ना जो ये चीजें हो गई, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे लिखना फाइनल में। फाइनल जब 1 स्क्वायर 1, 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 10, सो अब 10 आया, हम उसको 10 नहीं लिखेंगे, जो सिंगल रहता है ना, मतलब लाइक 10 में 0, 11 में 1, जो यूनिट डिजिट रहता है और जो कैरी फॉरवर्ड होता है, जो नॉर्मल हम लोग समेशन एंड ऑल में किए हैं, तो वो करना है। सो 10 आया, 0 कैरी 1, 5 का स्क्वायर 25, ना जो कैरी है उसको हम ऐड कर लेंगे, सो 26, सो 2601, या सो आई वॉज राइट, 2601। तो सी दिस इज अ सिंपल ट्रिक यू कैन अप्लाई टू कैलकुलेट ए स्क्वायर फ्रॉम 10 till 99। टेक एन अदर एग्जाम्पल, ओके, सो टेक एग्जाम्पल ऑफ 76। देखो जो चीज मैं बताया ना, उसको आप माइंड माइंडली करेंगे, मतलब कोई हम इतना सारे चीजें नहीं लिखेंगे। देखो 6, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, ये 6 6 का स्क्वायर 36, 6 3 इन हैंड, कैरी फॉरवर्ड हुआ, कैरी हुआ, नाउ 2 × 7 × 6, 7 6 = 42, 42 2 = 84, 84 3 = 84 + 3 = 87, नाउ 7 8 कैरी, दिस 8 कैरी, नाउ 7 का स्क्वायर 49, 49 और 8 = 57, 5 7 7 6। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ इन दिस वे, एग्जांपल ऑफ 93 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 3 = 27, 27 2 = 54, 4 how much carry, 5, 9 square 81, 81 5 86, 8 6 4 9। सो ये एक सिंपल ट्रिक है टू कैलकुलेट ए स्क्वायर, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ गाइज, लाइक टिल 50 तक आपको मतलब याद करना चाहिए, लाइक नो नीड टू, क्योंकि देखो यार सिंपल सा बात है ये, आप करने के लिए ना फिर भी आपको 10 सेकेंड तो लगने वाला ही है, और हो सकता है आप इसमें कभी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो। अब देखो प्रॉब्लम इज दैट ना, कि लाइक इफ यू आर टारगेटिंग ना 99 प्लस, स्पेशली इन क्वांट और ओवरऑल, अगर ओवरऑल भी टारगेट कर रहे हो तो आपको करना ही है स्कोर इसमें भी ज्यादा, तभी आपको ओवरऑल आएगा, तो आपको ना इन दिस सिनेरियो ना आपको लाइक
10 10 सेकेंड, एक सिंगल क्वेश्चन में 12 सेकेंड, ऐसे जब आप बचाओगे ना तो आपको सब कुछ, कि कोई 99 के लिए कर रहा है तो आपको 12 13 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन में 10 10 सेकेंड बचाए, आपने 13 क्वेश्चन में 130 सेकेंड सेव किए, मतलब 2 मिनट, मोर देन 2 मिनट। 2 मिनट में क्या होगा ना कि मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर पाऊंगा, जहां मैं 99 था वहां हो सके तो 99.23 इस पे आ जाऊं या 99.4 पे आ जाऊं। सो दिस इज द डिफरेंस विच यू विल क्रिएट। ओके, सो ये आपको इस वे से थिंक करना है, ना कि हाँ यार चलो कोई नहीं। नाउ कम्स टू मल्टीप्लीकेशन बाई 11। अब देखो मैंने 11 का क्यों याद किया, ऐसे मल्टीप्लीकेशन के लिए बहुत सारे हैं, 11 का है, 111 का है, और भी पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मैंने सिर्फ 11 का ही लर्न किया था, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट आता है इन एग्जाम ऑल्सो, और आपका क्वांट का प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उसमें भी। सो इसका एक सिंपल सा फंडा है, टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, 87 × 11। अब देखो गाइज इसमें क्या करना है ना, कि जो आपका यूनिट डिजिट है ना, नंबर का यूनिट डिजिट, वो एज इट इज लिखना है, एज इट इज। अब उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसको ऐड करना है। ओके, नाउ 7 और 8 को हम ऐड करेंगे, 8 7 15, 15 आया। अब मैं 15 तो लिख नहीं सकता, क्योंकि ऐसा रूल है कि 15 आया तो उसमें हम 5 लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे, तो 15 में 5 राइटिंग डाउन, 1 कैरी। नाउ अब 8 के इधर लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर नहीं है, सो हम इसको एज इट इज लिखेंगे और जो कैरी है उसको ऐड करके, सो 8 1 9। दिस इज टेक अनदर एग्जांपल, लाइक 78 × 11, राइट एज इट इज, 8 7 15, 1 कैरी, 7 और 1 8। सिंपल, वेरी सिंपल, बस ऐड करना है, लाइक यूनिट डिजिट को ऐसे ही लिखना है, सेकेंड डिजिट है, फिर ये दोनों को ऐड करना है, फिर इसके लास्ट में कोई है नहीं, बस जो कैरी फॉरवर्ड है उसको करना है, अगर कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो बस एज इट इज लिख देना है, बस सिंपल। टेक अनदर एग्जाम्पल, 3 डिजिट एग्जाम्पल, 3 8 9 × 11, सिंगल डिजिट, राइज एज इट इज। नाउ अब 2 लेना है, 9 8 17, 7 1 कैरी फॉरवर्ड। अब 3 8 11 1 12, 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड, 3 और 1 4। सिंपल, बस आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को एज इट इज लिखना है, फिर 2 डिजिट लेना है, फिर 2 डिजिट लेना है, फिर यहाँ पे 2 डिजिट लेना है, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं तो टेक एज ए 0, अगर कोई कैरी फॉरवर्ड आया तो उसको लेके ऐड कर देना है। सिंपल, अब एक और एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ 4 डिजिट का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 4 डिजिट, 9 8 4 6 × 11, 6 एज इट इज। नाउ टेक 2 6 4 10, 0 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 4 12 + 1 13, अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 और 8 17 1 18 1, अगेन कैरी फॉरवर्ड। नाउ 9 एंड व्हाट 0, अब यहाँ पे 1 है तो मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ, 9 और 1 10, ये आपका आ गया मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज, अगर कुछ आपको डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर जो भी डाउट है आई विल ट्राई टू क्लियर। नाउ कम्स टू स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैविंग यूनिट 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
फ्रीक्वेंट वे में आता है यूनिट डिजिट का, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है और उसको हमको स्क्वायर निकालना है। तो देखो मेन कोर मोटो ये है ना कि जो फ्रीक्वेंट आता है उसको याद करना है, और जो इतना फ्रीक्वेंट नहीं है ना क्या जरूरत है यार, कैलकुलेटर यूज कर लेंगे ना, उतना कोई वो नहीं है कि हाँ बहुत सारा फॉर्मूला और ट्रिक्स याद करें। नो नीड टू लर्न बहुत सारा फॉर्मूला एंड ये, क्योंकि मैंने देखा है ना मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम दिए हैं, तो वो मतलब जो कैलकुलेटर जिसमें नहीं भी मिल रहा जैसे स्नैप एंड मेट जैट, इसमें कैलकुलेटर नहीं मिलता है ऑन स्क्रीन, वहाँ भी वैसा मुझे नहीं नीड पड़ा कि हाँ यार बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन आया है, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन ये सब फ्रीक्वेंट वे में आता है, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वे में, इसलिए हम लोगों को ये याद कर लेना चाहिए ताकि इससे मुझे बेनिफिट मिले, जो भी मैं टाइम बचा सकूं। तो टेक एग्जांपल गाइज, सिंपल एग्जांपल 55। नाउ अब क्या करना है ना, यूनिट डिजिट 5 जो है उसको स्क्वायर करना है। सिंपल सा जो यूनिट डिजिट 5 है इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, और जो भी टेंस डिजिट है इसका नेक्स्ट, जैसे 5 है इसका नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 6। सो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30 हो गया, वेरी सिंपल। जस्ट यूनिट डिजिट को आपको स्क्वायर करके लिखना है, और जो भी टेंस डिजिट है उसका नेक्स्ट डिजिट क्या है उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है बस। अनदर एग्जाम्पल 85 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 8 के आगे 9, 9 8 जा 72। सिंपल 3 डिजिट का एग्जाम्पल को लेते हैं, 1 2 5। ओके 5 का स्क्वायर 25, अब देखो 12 के आगे 13। अब देखो यहाँ पे 12 और 13 आया, अगर आपने टेबल याद किया है तो आपको सिंपल सा पता चल जाएगा कि 12 30 156 ये होता है। देखो कितना हेल्प किया यहाँ पे, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ा ऐसे सिंपल कैलकुलेशन करने का कि हाँ 6 2 3 1 6 5 1, कोई जरूरत नहीं पड़ा कैलकुलेशन करने का, यही तो टाइम बचा रहा है ना। यहाँ देखो ना 5 7 10 सेकेंड लगा मुझे करने के लिए, मुझे याद है सीधा मैंने लिख दिया। तो ये फर्क पड़ता है जब आप चीजें याद कर लो, ये सब छोटी छोटी चीजें, ये आपको वैल्यू क्रिएट करेगा आपको एग्जामिनेशन में। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल ले लो, कुछ 35 का ले लो एग्जाम्पल, स्क्वायर इसका 1 2 2 5 होता है, लेफ्ट साइड 5 का स्क्वायर 25, 3 का नेक्स्ट डिजिट 4, 4 3 जा 12। देखो सिंपल, वेरी सिंपल, आपको ऐसे करना है। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, 95 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 9 के आगे 10, 10 90, वेरी सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं पास्ट कैट के, उसमें आपको एक सेंस ऑफ क्लियरिटी देने के लिए कि कैसे आपको थोड़ा थोड़ा सा हेल्प करने वाला है ये सभी चीजें। सो ये रहा क्वेश्चन, मैंने ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन मैंने 4 क्वेश्चन पिक किए इसमें, जो एक ये फर्स्ट वाला 19 का है, ये 17 का है, ये 22 का है, ये 20 का है, ये 22 का नहीं है आई थिंक, ये 21 का है आई थिंक, सो 21 का है आई थिंक, बट कोई नहीं, हम लोगों को तो बस चेक करना है कि कहाँ पे ये हेल्प करेगा। अब देखो क्या सिंपल सा है, ये फर्स्ट देखो क्वेश्चन, अगर आपको 5 का पावर और 5 का स्क्वायर याद है ना, दिस क्वेश्चन बिकम्स केक वॉक फॉर यू, आप विद इन 1 मिनट इसको आप नेल कर दोगे। अब देखो कैसा है क्या है, सिंपल सा आपको एक बता देता हूँ, जैसे ये नंबर देखो 1 3 4 3 8, मैं बताया ना जब आप लर्न करोगे ना तो आपको एक सेंस आएगा कि हाँ किस नंबर पे क्या चीजें एडजस्ट करना है। देखो
एक्स, और ये सब्सट्रैक्ट करके आ रहा है 13,438। और 5 का पावर जो 6 होता है, 5 का पावर 6 वो 15625 होता है। ये सो मच क्लोज है इसके, तो मेरा सबसे पहला जम्पशन तो यही रहेगा ना, यहाँ 5625। अब देखो, अगर आप 5 का पावर नहीं पता है तो आप बोलोगे यार कहाँ से कैसे मैं पावर लेके माइनस करूँ तो क्या करूँ। अगर आपको वही पावर पता है तो आप सीधा फर्स्ट स्टेप में आप 15625 जो 5 का पावर 6 है वो लेके लोगे और सीधा सब्ट्रैक्ट कर दोगे इससे, 13438 सब्ट्रैक्ट 7 व्हाट 812। देखो ये 2187 कुछ का तो पावर है, अगर आपने देखा और याद किया होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3 का पावर 7 है, 2187, 3 to the power 7। देखो ये सेटिस्फाई कर गया, एक्स का वैल्यू मुझे मिल गया 6 और वाई का वैल्यू 7। अब मैं यहाँ पे चेक करके सेटिस्फाई कर दूंगा, 5 का पावर 6 माइनस 1 व 5 प्लस 3 to the power 8। तो देखो मैंने तो बोला 3 to the power 7 याद तक लर्न करने के लिए, यहाँ 3 का पावर 8 आ गया, बट कोई नहीं, मुझे जस्ट ये वेरीफाई करना है कि 9686 इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कि मुझे और कुछ वैल्यू चेक करना है एक्स का, मुझे बस सेटिस्फाई करके चेक करना है, मुझे पूरा कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। 5 to the power 5 3125। अब नाउ 3 to the power 8, मुझे पता है कि 3 का पावर 7 व्हाट होता है, 2187। सो मैं एक सिंपल चेक कर लूंगा, 2187 में 3 से मल्टीप्लाई करके देख लूंगा। देखो मैं पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की भी नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे बस चेक करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मैं क्या करूंगा, 7 फर्स्ट डिजिट देख लूंगा और यूनिट लास्ट डिजिट देखने का ट्राई करूंगा, 7 3 1 1 आया, ये 2 कहीं आएगा। अब देखो 5 और 1 6 सेटिस्फाई। अब देखो यहाँ पे 3 2 6 6 और 3 9 सेटिस्फाई, नो नीड टू चेक एक्स प्लस वाई का ही वैल्यू क्या होगा, 6 प्लस 7 13। वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे मतलब डिफरेंस क्रिएट किया, जब आपको पावर और क्यूब जो 5 का पावर और 3 का पावर पता हो तो, अब विद इन 1 मिनट में, मुझे समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन अगर किसी को पता हो तो आप विद इन 1 मिनट में आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे, तो ये डिफरेंस क्रिएट करेगा आपको। सॉरी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बताया कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव नंबर इतना है। देखो मैंने प्रीवियस में बताया कि 12 और 13 156 होता है, अब आपने याद किया तो आपको सीधा पता चल जाएगा, नहीं तो बस आप वैसे करते रहो, यहाँ आप इसको 25 से डिवाइड करो या फिर 100 से डिवाइड करो, मान लो 100 से किया तो ये इतना आया, फिर इसको आप कुछ से डिवाइड करो, फिर तब आगे फैक्टराइज करके फिर वैसे चेक एंड एरर करो, लेकिन इसमें क्या है कि मुझे पता है कि 12 और 3 156 होता है, बचा यहाँ पे 100। यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, 12 3 अब 100। देखो क्वेश्चन क्या है कि 3 कंजिक्यूटिव नंबर है, 3 कंजिक्यूटिव नंबर। अब देखो सिंपल सा, यहाँ पे तो कोई कंजिक्यूटिव का सेंस नहीं है, और जब तीनों कंजिक्यूटिव नंबर है तो क्या मैं आगे पे देखूंगा, 12 2 14 और ये होगा 26, यहाँ पे मैंने दो दो लिया तो यहाँ 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये 25 आ गया, तीनों कंजिक्यूटिव 24 25 26 सिंपल। तो देखो ये याद करने का यही फायदा है कि आपको नंबर एक तो आपको पता चलेगा कि हाँ, फिर उस पर आप इजीली प्ले कर सकते हो। देखो ये ऐसा नहीं कि आपको, हो सकता है कि आपको डायरेक्ट एक बार में क्लिक ना हो, लेकिन यहाँ तक आप पहुंच गए ना तो आप 1 से 2 ट्रायल एरर में आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे,
सो ये आपको वैल्यू क्रिएट करेगा और डिफरेंस क्रिएट करेगा आपको जो आप में और दूसरे कैंडिडेट में जिन्होंने ये लर्न नहीं करेंगे। सो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो ये तो थोड़ा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन बस मैं ये चीजें आपको बताने के लिए लाया, क्या बस वो चीज आप समझना। देखो इसका है कि एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर है और मिनिमम वैल्यू, ये इक्वेशन है सिमेट्रिक इक्वेशन है, बोथ इक्वेशन ऑफ सिमेट्री। और जब भी आपको ये अलजेब्रा में पता चलेगा, लेकिन जब भी इक्वेशन सिमेट्री होता है और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं निकालना होता है, तो ये इक्वालिटी पे मिनिमम वैल्यू आता है। मतलब इक्वालिटी इन द सेंस की एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 102/2, मतलब एक्स का वैल्यू भी मैं 51 रख दूँ, वाई का वैल्यू भी 51, इस पे मेरा मिनिमम वैल्यू आएगा। अब देखो इसका मिनिमम वैल्यू मुझे पूछा है 2601। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये समझने की बात है। जैसे 2601 1+1/51 ना, 51 ना 1+1/51। अब देखो 2601 52/51 into 52/51। अब देखो ये 51 का स्क्वायर मुझे, अब देखो अब फाइनल इक्वेशन क्या आया 2601 into 52/51 into 52/51। अब देखो सिंपल यहाँ पे स्क्वायर आ गया, 52 का स्क्वायर 51 का स्क्वायर। अब आपने अगर लर्न किया तो 51 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 2601 होता है। तो ये 2601 ये 2601 कैंसिल आउट, 52 का स्क्वायर 2704 होता है आई थिंक सो। सो ये आपका आंसर हो गया। तो देखो ये आपको डिफरेंस नहीं, तो आपको क्या करना पड़ता अगर यहाँ तक आप पहुंच गए, यहाँ तक तो आपको सिंपल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। मतलब इतनी चीजों पे आपको थोड़ा सा टाइम बचाने वाला है, जो भी 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी, क्योंकि आप तो अगर स्क्वायर पता है तो सीधा आप करो कैंसिल, यहाँ पे पता है तो सीधा आप मार्क करो आंसर, आगे बढ़ो सिंपल। तो ये चीजें वैल्यू क्रिएट करने वाली है जब आप तो करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट वन। देखो यहाँ पे ये सिंपल सा, इस क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट नहीं है, बस मैं ये क्वेश्चन को पार्टिकुलरली इसलिए लाया हूँ कि आपको कुछ समझे। से अगर 64 से आप यूज टू हो इसका स्क्वायर, और वो आपको सीधा पता होना चाहिए कि 4096 इज नथिंग बट 64 का स्क्वायर। चलो अगर ये भी नहीं पता है कि 64 का स्क्वायर नहीं होता, आपको तो आप मैंने बताया 2 to the power 10 तक याद करना है, तो अगर आपने याद किया तो आपको पता हो जाएगा कि टू ये 2 to the power 10 इज इक्वल टू 1024। अब 2 to the power 11 तो सिंपल सा है कि देखो ये मुझे क्यों क्लिक करेगा कि 2 की पावर 10 ही मुझे चेक करना है, क्योंकि यार देखो अगर 2 का पावर 11 लूंगा तो ये सीधा यहाँ पे 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं हाईएस्ट नंबर लेने का ट्राई करूंगा ना, कि ताकि कुछ ना कुछ तो क्लिक हो यहाँ पे। फिर 2048 आएगा और 2 का पावर 12 जो 4096 आएगा, इट इज 4096। अब जब 2 का पावर 12 4096 हो गया, तो मैं 2 का पावर 6 का स्क्वायर भी तो 4096 होगा। अगर पावर आपने याद किया तो 2 का पावर 6 64 स्क्वायर, सिंपल। तो ये आपको डिफरेंस क्रिएट करेगा जब आप वो चीजें याद करोगे, मतलब ये सारी चीजें। सो दैट्स इट गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो समझने के लिए कि वैदिक मैथ क्यों जरूरी है और MBA एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया, सो प्लीज डू लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।
एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरी, डाउट या कुछ भी आपको गाइडेंस या कुछ भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट करो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड, क्योंकि मतलब इतना सारा क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगता है। सो आई वॉन्ट कि जितने ज़्यादा लोग को ये वीडियो रीच करे उतने लोग ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू गाइज।